before haircut and after. Yes guys, once again welcome to Shava's Makeover channel. और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लॉन्ग बॉब हेयर कट 2019 शॉर्ट हेयर विद बैंग्स. जी हाँ, ये जो ट्यूटोरियल है हिंदी में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल हिंदी में होगा. फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. बहुत ही इजी टेक्निक है, इजी ट्यूटोरियल है. आपको बहुत आसान तरीके से मैं सिखाऊंगी कि मैंने इस हेयर कट को कैसे किया है. और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इनको सेक्शनिंग किया है किस तरह से. ठीक है, सेक्शनिंग का ध्यान रखिएगा. अब देखिए मैं बैक साइड से इनका स्टार्ट कर रही हूँ. पहले मैंने इनका 4 से 5 इंच जो है बाल कट कर दिया है. और सबसे पहला स्टेप होगा स्ट्रेट, मतलब मैं इनको हॉरिजॉन्टल कट करूँगी, मतलब स्ट्रेट, राइट. तो सबसे पहला जो सेक्शन है क्या है, स्ट्रेट है. सो यहाँ पे मैं अनदर सेक्शन ले रही हूँ. सेक्शन भी मेरा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइट. और पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ. सेक्शनिंग का भी बहुत ध्यान रखिएगा. अब मैं अच्छे से कॉम कर रही हूँ. उसके बाद मिडिल सेक्शन लिया है देखिए. और मिडिल सेक्शन लेके मैं इसको कट कर रही हूँ 45 डिग्री में. इसका जो एंगल होगा वो है 45 डिग्री. सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ये सेक्शन जो मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, आप इसको डायगनल फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और डायगनल फॉरवर्ड भी ले सकते हैं. सो अब देखिए, जो मैं एंगल जो कट कर रही हूँ, सारे बालों को आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे ले जाके कट कर रही हूँ. ठीक है, एकदम बैक में ले जाके कट करना है. और आप सेंटर में भी कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हियर, सारे मेरे एंगल एकदम सेंटर में है. ठीक है, राइट में नहीं काटना है. जो भी आप कट कर रहे हो सेंटर में ले जाके कट करना है. लेफ्ट के बालों को सेंटर में, राइट के बालों को सेंटर में, और एंगल जो है 45 डिग्री में ही रख रही हूँ. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन मैंने अनदर सेक्शन लिया है. यू कैन सी हियर, है ना. पहले तो जो अनटाइडी है उन बालों को कट कर रही हूँ मैं रेंडमली. उसके बाद अब देखिए मैं क्या करूँगी, सेंटर पोर्शन लिया. ठीक है, उसको मैं 45 डिग्री में कट करूँगी. देखिए अब, ठीक है, सारे बालों को मैं 45 डिग्री में कट कर रही हूँ. थोड़ा सा हल्का सा और उठाया और उसके बाद इसको भी 45 डिग्री में हल्का सा उठा के इसको भी डाउनवर्ड्स में ही मैं कट कर रही हूँ. अब थोड़ा सा सेक्शन लिया है, गाइडलाइन लिया है, और उसके बाद इनको भी मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर में ले जाके कट कर रही हूँ, लेकिन 45 डिग्री में. सारे वालों को उठा के ही कट कर रही हूँ, लेकिन एंगल जो है वो है 45 डिग्री. आप देख सकते हो, लेफ्ट के सारे बालों को सेंटर में ले जाके कट कर रही हूँ. देखिए, है ना, ला रही हूँ ना सेंटर में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं कर रही हूँ. आप देख सकते हैं, ले जाके मैं एकदम सेंटर में लेके आ रही हूँ और कट कर रही हूँ 45 डिग्री में. अब सेम वे राइट साइड के बालों को भी देखिए, मैं यहाँ पे पहले मैं क्या कर रही हूँ, उठा रही हूँ 45 डिग्री में कट कर रही हूँ. थोड़ा और हल्का सा उठाया. अब उसके बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गाइडलाइन लिया है. अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अनदर सेक्शन लिया, जो कटे हुए नहीं थे बाल उसको भी लिया. ठीक है, और यू कैन सी हियर 45 डिग्री में कट कर रही हूँ. और फिर हल्का सा उठा के फिर मैंने 45 डिग्री में कट किया है. फिर थोड़ा सा गाइडलाइन लिया है और साइड के बालों को लिया है. इनको भी मैं देखिए ऑलमोस्ट सेंटर में, मतलब बैक में ले जाके कट कर रही हूँ. सारा मेरा देख सकते हैं कि बैक में है, तो मतलब सेंटर ही हुआ ना. तो मैं इसको राइट में एकदम, जैसे नॉर्मली हम लोग 90 डिग्री में कट करते हैं, वैसा कट नहीं कर रही हूँ. आप देख सकते हैं लेयर्स भी मैं कहाँ पे ले जाके, सारा बैक में ले जाके कट कर रही हूँ. इससे क्या होगा, बॉटम जो है हैवी दिखेगा और दोनों राइट और लेफ्ट साइड के जो बाल है वो लॉन्ग नज़र आएगा. अभी मैं चेकिंग कर रही हूँ, देखिए दोनों साइड से इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, सारा देखिए, राइट को भी सेंटर में, लेफ्ट को भी सेंटर में, और बैक में ले जाके कट किया है. सो अब बारी आती है फ्रंट के बालों की. मैंने क्लाइंट के लेफ्ट सेक्शन को खोल दिया है और अच्छे से कॉम कर रही हूँ. यहाँ पे देख सकते हैं आप,
सारे बालों को ले जाके यहाँ पे मैं किस तरह से कर रही हूँ, कट कर रही हूँ देखिए। जी हाँ, इसको एंगल बनाना है, हल्का सा एसिमेट्रिकल इफेक्ट दे रही हूँ मैं। बैक में ले जाके मैंने एसिमेट्रिकल इफेक्ट दिया है और इसको कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या क्या है, डायगनल फॉरवर्ड, हल्का सा छोटा सा डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है और इन बालों को मैं 45 डिग्री में फ्रंट के बालों को भी काटूंगी। लेकिन जब मैं 45 डिग्री में काट रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा एंगल कहाँ जा रहा है। जी हाँ, मैं ऑलमोस्ट बैक में ले जाके ही 45 डिग्री काट रही हूँ। देखिए आप, देखिए नीचे है ना 45 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा बैक में ही लेके जाके काटूंगी। यू कैन सी हेयर, एकदम सामने नहीं काटना है, थोड़ा सा बैक में ले जाके काटेंगे तो फ्रंट से थोड़ा क्या होगा, एसिमेट्रिकल इफेक्ट देगा, लॉन्ग नज़र आएंगे बाल फ्रंट से, है ना। और देखिए जो सेक्शन है वो हल्का सा डायगनल फॉरवर्ड है और आप यहाँ पे स्ट्रेट भी ले सकते हैं सेक्शन, नो इशू। यू कैन सी हियर, बैक में ले जा रही हूँ और उसके बाद 45 डिग्री में काट रही हूँ, है ना। अगर मैं एकदम सीधा काटूंगी तो क्या होगा बताइए, वहाँ पे लेयर्स आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। हमें ज़्यादा गैप नहीं देना लेयर्स में, हमें थोड़ा मर्ज करना है लेयर, इसीलिए हम इसको 45 डिग्री में काट रहे हैं। लेकिन हम कहाँ पे काट रहे हैं, बैक में ले जाके। सेम वे इस सेक्शन को भी पीछे ले जाके काटिए, फिर उठाया, फिर बैक में ले जाके कट किया। अब आता है आपका फ्रंट सेक्शन, इसको भी सेम वे कट रहा है, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। मतलब आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मैं काट रही हूँ। कई बार जब आप बैक में ले जाते, क्योंकि छोटे वाले फ्रंट से बैक में नहीं आता, इसलिए उसको उतना छोड़ दीजिए, नो इशू। सारे बालों को आप देखिए यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, ठीक है। पहले मैंने एंगल बना लिया, बेस एसिमेट्रिकल दिया और अब मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, सेक्शन ले रही हूँ और पीछे ले जाके काट रही हूँ। देखिए मैं इसको सामने भी काट सकती हूँ, कान के एकदम सिधाई में काट सकती हूँ, नहीं काट रही हूँ। क्यों, बैक में ले जाके काटूंगी तो एसिमेट्रिकल लेयर्स भी एसिमेट्रिकल में नज़र आएगा। यू कैन सी हियर, ठीक है, गाइडलाइन ले रही हूँ और थोड़ा सा सेक्शन ले रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये ट्यूटोरियल, जब आप इसको करते हैं रियली यू एंजॉय इट। एंड यहाँ मेरी क्लाइंट देख सकते हैं आप, यू नो शी इज स्माइलिंग, या शी इज ऑल्सो एंजॉइंग दिस हेयर कट। सो यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा एक और सेक्शन लिया है मैंने, ठीक है, और इसको मैं फिर पीछे 45 डिग्री में कट कर रही हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी हेयर कट और भी आपको सिखाना है मुझे, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सीख सकेंगे कितना आसान ट्यूटोरियल है और इनको मैंने सेटिंग भी कैसे किया है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप इस हेयरकट को लास्ट तक देखिएगा। सो देखिए यहाँ पे अगेन मैं कॉम कर रही हूँ और बैक में ले जाके सारे बालों को कट कर रही हूँ 45 डिग्री में, और ये रहा मेरा लास्ट सेक्शन। सो ऑलमोस्ट मैंने देखा कि इट्स फिनिश। तो ये देखिए फ्रंट के बाल देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबे हैं ना बाल फ्रंट के। जी हाँ, हम इसमें क्या कर रहे हैं, जी हाँ मैं अब यहाँ पे आपको सिखाऊंगी इनके फ्रंट बैंग्स। या देखना चाहते हैं कि इनको मैंने फ्रंट में बैंग्स कैसे दिया है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पहले आपने थोड़ा सा ब्रॉड ए सेक्शन लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन क्लिप से मैंने टक कर दिया है। क्लाइंट से मैंने पूछा कि मैम इतना थिकनेस ठीक है, शी सेड या। अब हम चलते हैं इसको काटने, ये कह रही थी मुझे मेरी क्लाइंट कि मैं कितना शॉर्ट रखूँ, सो मैं उनको सजेस्ट कर रही थी। तो देखिए बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, थोड़ा सा मैं पानी लगा रही हूँ वेट करने के लिए, इससे हेयर कट बहुत आसान तरीके से काट सकते हैं। तो पहले मैं इसको ट्विस्ट कर रही हूँ, पहले मैं लंबा लंबा लेंथ मैंने काट के छोड़ दिया, अब मैं स्टार्ट करूँगी इनका हेयर कट। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले पतला सेक्शन लिया, कट कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर लिया, क्लाइंट से पूछा कितना शॉर्ट चाहिए, आईब्रोज तक उनको चाहिए, आईब्रोज से थोड़ा सा ऊपर देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और कट कर रही हूँ, एकदम से ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आप पूछ के करना, ठीक है। और इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड शी इज़ माई वेरी रेगुलर क्लाइंट, आप इनका प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने इनका, मैं हमेशा से इनका थोड़ा डिफरेंट हेयर कट देती हूँ, बट इस बार तो ओ माई गॉड, इट इज़ लाइक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हेयर कट, यू कैन सी हेयर। जी हाँ, पतला पतला गाइडलाइन लेना है, जिस तरह से लेफ्ट कट किया है उस तरह से मैं राइट के बालों को काट रही हूँ। देखिए मेरा फिंगर कैसे जा रहा है डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको चेकिंग कर रही हूँ,
देन पूरा चेक करने के बाद थोड़ा उठाया, यहाँ पे देखिए मैं स्लाइसिंग दे रही हूँ, नॉचिंग बोलते हैं इसको। अगर नॉचिंग देने से क्या होता है मैं आपको बताऊँ, नॉचिंग देने से जो अनटाइडी लुक है वो आता है और हेयर कट काफ़ी अमेजिंग लगता है, टेक्सचर आ जाता है बालों में, यू नो यू कैन सी सो मेनी थिंग्स। सो देखिए यहाँ पे आ गया ना टेक्सचर इनके बालों में। एंड नाउ वी आर डूइंग टोंग्स। जी हाँ, आइकॉनिक का टोंग मशीन यूज़ कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी मैं, आप ये वाला परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक मशीन। और यहाँ देख सकते हैं शी इज़ स्माइलिंग, दैट मीन्स शी इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वाओ स्टनिंग, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं वो, देखिए कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है ये हेयर कट, वाओ। और बीची वेव्स के बाद तो दिस हेयर कट लुक्स अमेजिंग। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आसान भी था, और अगर लगा आसान ये ट्यूटोरियल तो ज़रूर शेयर करना अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ भी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किया तो जल्द से जल्द ये दोनों चीज़ें क्विक कर लीजिए, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस, सी यू सून।